नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सरोई। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो भाई देखें, आप लोग अधिकांश आप लोगों ने देखा होगा कूलर में जो वटन वोट से जो कनेक्शन बाहर निकाले जाते हैं, तो अधिकांश हमारे मैकेनिक भाई क्या मिस्टेक कर देते हैं कि ये एंगल देख रहे हैं आप, एंगल जो लगे रहते हैं कूलर के, ये एंगल में क्या करते हैं वो लोग टेप लपेट देते पहले, ठीक है। यानी एंगल में वो लोग क्या करते हैं, ऐसे टेप लपेट के, एंगल में ऐसे टेप लपेट के ऐसे, और उसके ऊपर टेप लपेटने के बाद उसके ऊपर कनेक्शन बना देते हैं, और कनेक्शन बनाने में फिर ऊपर से इसमें इस टाइप से टेप लगा देते हैं। तो ये बहुत ही डेंजरस है, ये वो इसलिए डेंजरस है, बाय द वे धीरे 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 करके पानी थोड़ा बहुत इन टेप के और एंगल के बीच में पहुंच जाता है, तो पानी पहुंचने से न्यूट्रल और फेस आपस में टच ऑफ हो जाते हैं और फॉल्ट हो जाता है। यदि फॉल्ट नहीं भी होता है तो ये जो एंगल है, इस एंगल में जो टेप लगाया गया, ये टेप लगा हुआ है, तो ये गीला हो जाता है। और यहाँ पर बाय द वे कोई भी जॉइंट अगर उस टेप के नीचे आ जाएगा, जॉइंट या वो पंप का हो या आपका कूलर का मोटर का हो, तो वो जॉइंट क्या करेगा, इसके अंदर पानी पहुंच जाता है तो वो जॉइंट क्या करेगा, बॉडी के साथ में टच कर जाएगा और हमारे कूलर में करंट आने की पूरी पूरी संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार के जो कनेक्शन किए जाते हैं वो रॉन्ग हैं। हमने अपने शोध कार्य पर, रिसर्च पर पाया कि कभी कभार कूलर में देखा आप लोगों ने अर्थिंग आती है, तो अर्थिंग आने का मेन मतलब यही होता है कि जो कनेक्शन है कोई ना कोई जॉइंट पानी के संपर्क में आने के बाद में बॉडी से टच करने लगता है वो, और कूलर की बॉडी में करंट आ जाता। तो अभी हम दिखाते हैं आप लोगों को कि कनेक्शन करना है तो कैसे करें, तो बने रहिए आप लोग वीडियो पर। जो हम तरीका आप लोगों को बताने वाले हैं वो बहुत बेटर सफिशियंट तरीका है। इस तरीका के आधार पर कभी भी लाइफ में कूलर में करंट नहीं आ सकता, ना आपकी शॉर्ट सर्किट होगी, जो बटन के द्वारा कनेक्शन आते कूलर और पंप के उसमें कभी शॉर्ट सर्किट नहीं होगी। तो बने रहिए आप लोग वीडियो पर। तो देखें आप लोग, ये पूरा देखो टेप ऐसे ये निकल चुका है पूरा टेप, और ये आपकी कनेक्शन बिल्कुल, ये देखें ये जो कनेक्शन बनाए गए थे, ये कनेक्शन एंगल के साथ सपोर्ट किए गए थे। जैसे कि माना कि ये जॉइंट है, ये जॉइंट देखें आप, है ना जॉइंट है, तो ये जॉइंट हम इसमें कितना भी टेप लगा दें एंगल में, टेप लगाने के बाद इसको यहाँ सपोर्ट करेंगे तो धीरे धीरे घास के द्वारा हल्का सा पानी छिटकने के कारण, प्रेशर से चलने के कारण पानी यहाँ एंगल पर जाएगा, और एंगल पर जाने के बाद में यहाँ जॉइंट के साथ ऐसा चला जाएगा, ये देखें आप लोग, ठीक। तो जॉइंट के साथ चला जाएगा तो क्या होगा, ये दोनों जॉइंट भले ही दूर दूर क्यों ना हो, लेकिन जैसे में पानी जाएगा तो क्या करेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव एसी करंट क्या करता, स्पार्क करता। जब उसमें पानी पहुंच जाएगा तो एसी करंट इसमें स्पार्क करेगा, स्पार्क करने के साथ में ये जो टेप है ये आपका जल जाएगा, और ये जो कनेक्शन है इसके साथ में एंगल के साथ में टच होने लगेंगे और आपके कूलर में करंट आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे बेटर तरीका क्या होता है मैं बताएं आप लोगों को, कोई भी फ्लेक्सिबल पाइप ले आप, ये देखना, कोई भी फ्लेक्सिबल पाइप ले आप। पाइप लेने के बाद में आपको क्या करना है, एक साइड से इस पाइप को आप कट कर लें पूरा, और ऐसे इसको करके इसमें टेपिंग कर दें, और ये पोजीशन आपको रखना है इसकी, ये दूर इतनी दूर पोजीशन आपको रखना है इसकी, यानी कि ये जो कनेक्शन है किसी भी प्रकार आपके एंगल में जो आपके लेग लग रहे थे, टांगें लग रही थी कूलर की कसने वाली, ये इसके संपर्क में बिल्कुल ना, तो आपकी बहुत केयर हो जाएगी, कूलर में कभी करंट आने का चांस नहीं रहेगा। तो देखिए अभी हम इसको इलेक्ट्रिकल पाइप को कैसे कट करके कनेक्शन बनाते हैं, तो बने रहिए आप लोग वीडियो पर। मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर हो रही है, आप सभी लोगों को अपने चैनल पर बहुत यूनिक जानकारियां देता हूं, तरह तरह की डिवाइस के बारे में बताता हूं, करंट की सेफ्टी के बारे में बताता हूं, कूलर से रिलेटेड वीडियो डालता हूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर पुश करें। नमस्कार। देखें आप लोग, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, फ्लेक्सिबल पाइप, ये देखें आप लोग, फ्लेक्सिबल पाइप के द्वारा जितने भी वायर हैं आपके फ्लेक्सिबल पाइप के अंदर पहुँच गए, जब फ्लेक्सिबल पाइप के अंदर सारे वायर पहुंच जाएंगे, इसमें जो भी आप ज्वाइंट करेंगे, कनेक्शन करेंगे, कनेक्ट करेंगे दूसरी केबल, चाहे वो आपकी पनडुब्बी की हो या आपकी मेन मोटर की हो, ये सब फ्लेक्सिबल के अंदर पूरे पाइप कवर्ड हो चुके हैं।
अब जो भी फॉल्ट होगा, टचिंग होगी, कुछ भी स्पार्किंग वगैरह होगी, तो ये पाइप के अंदर होगी, ठीक है। लोहे के एंगल के साथ इसकी बिल्कुल सपोर्टिंग खत्म हो गई, सिर्फ एक टेप का राउंड हमने सिर्फ इसको सपोर्ट किया है, क्योंकि ये मूवमेंट करने के बाद में फ्रेम से न टकराए। तो देखें, ये है आपका सही तरीका। इस प्रकार यदि आप कनेक्शन करेंगे तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, कभी किसी भी कनेक्शन में जहाँ आपने ज्वाइन किया उसमें शॉर्ट सर्किट नहीं होगी, आपकी स्पार्किंग नहीं होगी, और आप हमेशा कूलर के करंट से बच जाएंगे। कूलर में करंट आने की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी। तो आप प्लीज़, मेरा निवेदन है कि इस प्रकार से आप कनेक्शन करें, फ्लेक्सिबल पाइप ज़रूर डालें, जिससे आपकी सेफ्टी बनी रहे, घर में सेफ्टी बनी रहे, और आपकी स्पार्किंग कूलर में होने से बच जाए। तो नमस्कार, देखें आप लोग इस कनेक्शन को ज़रूर करें आप। जय हिंद, वंदे मातरम।